नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे दोस्तों। और एक नया वीडियो, नया टॉपिक और नया विचार। तो सामने हम जो देख रहे हैं वो मूली है, और वही मूली है जो हमने पहले उगाई थी। और ये देखिए, कुछ कोरिएंडर, धनिया भी हमने लगाए थे, वो भी धीमे धीमे ग्रो हो रहे हैं। तो आज मैं अब आपको बताऊंगा कि हमने कुछ गोभी और ब्रोकली भी ग्रो की थी, तो वो ग्रो हो गई है। लेकिन हमें अपने पॉट तैयार करने होंगे और कंटेनर तैयार करने होंगे जिनमें हम अपनी गोभी और ब्रोकली लगाएंगे। तो वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि हम वो पॉट कैसे तैयार करें जिनमें हम सब्जियाँ उगाएँ। मिट्टी तैयार करना है, सॉइल। तो सबसे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि जीवन में कुछ पाने को श्रम करना पड़ता है, ईश्वर लकीरें देता है, रंग खुद भरना पड़ता है। भाग्य का रोना मत रोइए दोस्तों, मेहनत कीजिए, भाग्य अपने आप लिखे जाते हैं। इंसान अगर मेहनत करने पे आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। तो चलिए पहले मैं आपको वो सीड दिखाता हूँ जो हमने ग्रो किए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हो, ये ब्रोकली है जो हमने ग्रो की है, और बहुत अच्छी ग्रो हुई है। अभी ये पॉट में शिफ्ट करने लायक नहीं है, अभी इसे 10 दिन और चाहिए। और ये देखिए हमारी गोभी, कॉलीफ्लावर, बहुत अच्छी ग्रो हुई है। तो पहले अब हम इन्हें सीखेंगे कि अब ये जब उग रहे हैं तो बर्ड से इन्हें बचाना है, तो इन्हें आप कवर करें। और वो मैं कवर करना भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके पास कोई जाली हो, कोई प्लास्टिक की जाली या लोहे की जाली, उससे आप इसे कवर कर दें। और ये जो हमने मूली लगाई है, और इसके अलावा ये देखिए, ये हमारी मटर भी ग्रो हो रही है धीमे धीमे। तो अभी अब हम इन्हें सेपरेट करेंगे, सिक्योर करने के लिए हम इन्हें जाली से कवर कर देते हैं। तो मैं आपको जाली लगाकर दिखा देता हूँ, वो बहुत सरल है। ये देखिए, लोहे की एक जाली है, और हमने अपने जो कंटेनर है उसे कवर कर दिया है। तो आपके जो वर्ड्स हैं, पक्षी हैं, कबूतर हैं या कोए हैं, तो आपके वो सीड नहीं उखाड़ पाएंगे, और फिर आपकी जो सब्जी है वो अच्छी तरह से ग्रो होगी। और इधर भी ये देखिए, आप चाहें तो लोहे की जाली यूज करें, या फिर आप जनरली प्लास्टिक की जाली भी यूज कर सकते हैं। आप इतनी मेहनत से वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, और फिर कोई पक्षी उन्हें बिगाड़ जाएं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वो आनंद भी नहीं आता, खींच पैदा हो जाती है। तो फिर ये तरीका नॉर्मली है। तो आज हम जो दूसरा इसका पार्ट बना रहे हैं कि जैसे हमारी ये ब्रोकली लवर 10 से 15 दिन बाद, और ये गोभी की जो पौध है वो तैयार हो जाएगी, तो फिर हम उन्हें अपने पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें अपने पॉट तैयार करने होंगे दोस्तों। तो चलिए पॉट हम तैयार करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, एक मटके का कटाई भाग है, ये हमने एक मर्तवान काटा हुआ है, और ये कनस्तर है दो भाग, ये इसमें हमने राजमा लगाया हुआ है जो अभी ग्रो नहीं हुआ है, वो थोड़ा टाइम लेता है। हमारा ये एक कंटेनर खाली है अभी हमारे पास, और दो कंटेनर ये हमारे पास और हैं जिनमें हमने पहले करंडोला सीड ग्रो किए थे, वो हो गए, अभी हमारे पास खाली है। तो हम इन्हें ही सॉइल लगाते हैं इसमें। तो चलिए सॉइल हम प्रिपेयर करें। और वेजिटेबल सॉइल जो हम बनाएंगे वो बहुत नॉर्मल ही है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे गार्डन की मिट्टी है, बिल्कुल नॉर्मल। और ये गोबर खाद है। गोबर खाद की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है दोस्तों कि हम उसे डिकम्पोस्ट कैसे करें।
तो मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। फिर भी जनरली आप जैसे कोई सूखा गोबर यूज करते हैं तो उसे पहले अच्छी तरह धूप में सुखा लें और उसके बाद ही उसे अप्लाई करें, क्योंकि अगर वो गीला रह गया तो फिर उसमें कुछ वायरस होंगे और कीटाणु जो आपके ब्रांच को सड़ा सकते हैं, क्योंकि नया गोबर एसिड युक्त होता है। तो हम क्या कहना है कि हम जो सॉइल बनाएंगे वो मजबूत सॉइल होनी चाहिए, यानी कि टाइट, जो पौधों की जड़ों को स्थायित्व दे सके, आसानी से उसे पकड़ सके। तो हम मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे अभी, लगभग 70%, और 30% हमारी ये गोबर खाद होगी, केवल बस इतना ही। और हम प्राकृतिक सब्जी उगा रहे हैं तो जनरली हम रासायनिक फर्टिलाइज़र का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं करता अपने जो मैं उगाता हूँ उन्हें, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ना करें। तो लेकिन थोड़ा सा इसमें एक प्रोसीजर है, यहाँ हम इन्हें सीधे अप्लाई नहीं करेंगे। पहले ये जो गोबर खाद है और ये जो मिट्टी है, हम इसे छानेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जो खाना खाएंगे वेजिटेबल का, जो अपनी वेजिटेबल उगाकर हम खाएंगे, तो उसमें कोई हानिकारक तत्व पहुँचे, हो सकता है इसमें प्लास्टिक हो या फिर और कुछ। तो हम इसे छान लेते हैं, और छानने से क्या होता है कि गोबर की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी गैप अच्छा आ जाता है, तो वो अच्छा काम करती है। तो मैं से एक ये छटना है या छलनी, बड़ी छटनी, और उससे से छांट लेता हूँ, बड़े होल वाली है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप हल्के हाथों से ऐसे ऐसे प्रेस कर दें जो, और ये आप जो कूड़ा दे रहे हैं देख रहे हैं, ये देखिए प्लास्टिक है, ये कुछ नए पौधे हैं, ये पत्तियां हैं, हम नहीं चाहते ये हमारे कंटेनर में पहुंचे, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हम चाहें तो बिना छनी हुई खाद का प्रयोग कर लेते, लेकिन छनी हुई जो खाद होती है उसका जो रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। और हम खुद के लिए वेजिटेबल उगा रहे हैं तो इसलिए भी। उसके बाद ये हम मिट्टी को भी छान लेते हैं, और जो आपके ढेले बनते हैं उन्हें आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से पीटते चलिए। आप देख पा रहे हो ये पन्नी, ये कंकड़ और ये कुछ पौधों की शाखाएं, यही हमारा निकालने का प्लान था। हम चाह रहे थे कि यही बाहर आ जाएं हमारे सॉइल से, और जो मिट्टी बनेगी जो बच रही है बाद में मिट्टी, वो आप देखिए बहुत ही बढ़िया और एकदम ऐसे लग रही है जैसे बर्मी कंपोस्ट है। तो हम और छान लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप चाहें तो पीली मिट्टी ले सकते हैं या बालू भी ले सकते हैं, लेकिन बालू में फिर आपको कुछ मिट्टी ज़्यादा मिलानी होगी, क्योंकि हम जब गोभी लगाएंगे तो जब वो उनका जो फ्लावर है बड़ा होगा तो फिर पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पौधे की जड़ें थोड़ी स्थायित्व तो, स्ट्रेंथली ताकत से खड़ी रह सकें। तो इसका बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये मिट्टी का एक ढेर है और ये गोबर खाद का। अब हम इन्हें बस ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। 70-30 का हमने इसमें सॉइल में एवरेज रखा है, 70% हमारी प्योर सॉइल है गार्डन की, और 30% हमने गोबर खाद इसमें यूज़ की है। आप कीटनाशक के तौर पे हल्का सा, अगर आपके यहाँ सॉइल ख़राब है तो आप नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे यहाँ सॉइल बहुत अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ यूज करूँगा। राख का प्रयोग आमतौर पर आप बिल्कुल करें,
अगर राख अवेलेबल है, और राख मेरे यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन मैं बिल्कुल एक पॉट बिल्कुल नॉर्मल बना रहा हूँ बिना कुछ यूज किए। एक पॉट में मैं राख यूज करूँगा। अच्छी तरह से ये मैंने सॉइल अपनी मिक्स कर ली है, और अब हम अपने पॉट लेंगे जो हमने कंटेनर बनाया था, ये आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत हल्के छेद किए हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि हम वाटरिंग का ध्यान रखेंगे, हम वाटरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक दो होल बना दीजिए। और कुछ नहीं, बस अपनी मिट्टी को हम इसमें पॉट कर देंगे। ये लीजिए दोस्त, हमारे दोनों कंटेनर बिल्कुल तैयार हैं, और अब हम इनमें वाटरिंग कर देंगे अभी से, जिससे इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल सेट हो जाए, बैठ जाए, और फिर हम इनमें अपने गोभी के और ब्रोकली ब्रोकली के जो प्लांट तैयार हो रहे हैं वो इनमें हम सेट कर देंगे। और आपको इसमें जो पानी देना है काफ़ी देना है, जिससे नीचे तक मिट्टी टाइट हो जाए, और जब हम प्लांट लगाएं तो वो आसानी के साथ इसमें लग सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और आप कंटेनर तैयार कर लेंगे जो आपने सीड बोए हैं उनके लिए। और 10-12 दिन बाद फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, और बहुत आसान है उन्हें लगाना, कुछ खास कठिन नहीं है। ये लीजिए, तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। तो धन्यवाद एक बार फिर वीडियो देखने के लिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।